ले जाओ ये अपनी डिग्री, ऐसी बहुत सारी डिग्री है ना मेरे टेबल में पड़ी हुई है, समझ में आई बात? मे आई कम इन सर? यस कम इन सर। माय नेम इज सौरभ और मुझे जॉब की बहुत जरूरत थी इसलिए मैं यहाँ पर आया। सॉरी अभी कोई जॉब खाली नहीं है, वैकेंसी आएगा ना मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सर प्लीज मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है और मेरे पापा बहुत बीमार हैं, प्लीज मुझे जॉब दे दीजिए, ये मेरा रिज्यूम है और मैंने इंजीनियरिंग भी की हुई है। ले जाओ ये अपनी डिग्री, ऐसी बहुत सारी डिग्री है ना मेरे टेबल में पड़ी हुई है, समझ में आई बात? सर प्लीज कोशिश कीजिए, कोई भी काम हो वो बता दीजिए। एक्चुअली क्या है ना मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं क्या करूँ, चुपचाप जाओ यहाँ से वरना सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। नहीं सर, सिक्योरिटी गार्ड को मत बुलाइए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सुनो लड़ो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सुनो वैसे तो यहाँ पर कोई जॉब खाली नहीं है लेकिन मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ, लेकिन सैलरी सिर्फ 8,000 होगी। लेकिन सर 8,000 तो बहुत कम है, इतने कम रुपए में क्या होगा मेरा, मेरा 2,000 रुपए तो किराया लग जाएगा आने जाने का यहाँ पर। देखो करना है तो करो वरना तुम यहाँ से जा सकते। सर प्लीज 8,000 में थोड़ा तो बढ़ा दो ताकि मेरा कन्वेंस निकल जाए आने जाने का। देखो तुम इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो चलो 1,000 और बढ़ा देते, 9,000 दे दूंगा मैं तुम्हें। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे जॉब दी, मैं कल से ऑफिस टाइम पर आ जाऊंगा। अरे कल से क्या होता है, कहावत नहीं सुनी है, कल करो सो आज करो, चलो आज से काम पर लग जाओ। ठीक है सर, पर मुझे करना क्या होगा यहाँ पर? करना क्या है, सामने झाड़ू पड़ी है उसे उठाओ, सफाई के काम में लग जाओ। पर सर मैंने तो इंजीनियरिंग की है और आप अपनी कंपनी में मुझसे झाड़ू लगवाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें एसी वाले कमरे में बैठाऊंगा, बढ़िया सा ऐसा कुर्सी दूंगा, लैपटॉप दूंगा, काम करूंगा? अरे मैं भी चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस में कोई वेल एजुकेटेड नौकर रहे ताकि आने जाने वाले जो गेस्ट रहे वो भी तो देखे कितना पढ़ा हुआ लिखा हुआ नौकर मेरे यहाँ काम करता है। ठीक है सर, जो भी बातें आपने अभी कही है ना वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो चुकी है। अरे रिकॉर्ड कर रहे हो, पर कैसे? ये जो पेन देख रहे हो तुम इसके अंदर ना हिडन कैमरा लगा हुआ है और साथ में ऑडियो माइक भी। जो तुमने और लड़के लड़कियों के साथ किया वही तुम मेरे साथ कर रहे थे, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भाई कौन सी लड़की? अच्छा तो तुम्हें याद नहीं है, चलो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। सर वो मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, 2 महीने से आपने मुझे मेरी सैलरी नहीं दी है, आप प्लीज मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए। वो 20,000 भले आप मेरी आगे सैलरी से काट लीजिए। ये लो 2,000 रुपए और रख लो, और सारे पैसे ना नेक्स्ट मंथ में मिलेंगे। सर इन 2,000 में मेरे पापा की 2 दिन की दवाई नहीं आएगी, और वैसे भी मैं आपसे अपनी सैलरी के अपने हक के पैसे मांग रही हूँ, उधार नहीं मांग रही हूँ। देखो तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, मैंने तुम्हें अपने यहाँ रखा था, और सैलरी ये क्या होता है, लेना है तो लो वरना ये पैसे भी रख लूंगा मैं, चलो निकलो यहाँ से। सैलरी मुझे दे दीजिए, आपने वैसे भी 3 महीने से मेरी सैलरी रोक रखी है और मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे घर में खाने को राशन नहीं है, मुझे राशन भरवाना है, मुझे अपने भाई की कॉलेज की फीस भी भरनी है, मैंने 2 महीने से उसके कॉलेज की फीस नहीं भरी है, अगर आप मुझे सैलरी नहीं दोगे तो मैं ये सब कैसे करूंगी? नहीं सर आप मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए सर प्लीज। देखो रूपाली यहाँ पर 6-6 महीने लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी नहीं गई है, और कोई तुम तुर्रम खान नहीं हो कि तुम्हारी सैलरी इतनी जल्दी आ जाएगी। देखो चुपचाप काम करो, 2-3 महीने में और सैलरी तुम्हारी आ जाएगी। सर प्लीज कुछ तो कोशिश कीजिए सर। ठीक है ये लो 500 रुपए घर का राशन जाके खा लो, और अगले महीने तुम्हारे सैलरी का जुगाड़ करता हूँ, भाई का फोन कर रहा। काम हम करना नहीं होता है, चले आते हैं सैलरी लेने के लिए। अरे क्या हो गया, आप दोनों लोग रो क्यों रहे हो? आपसे मतलब, आप जाके अपना काम करो। अरे मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा यही काम है लोगों को एक्सपोज करना, अगर आप मुझे बताओगी तो मैं आपकी जरूर हेल्प कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर जॉब के लिए नहीं आया था बल्कि मैं तुम्हारा चेहरा बेनकाब करने आया था, और ये सच्चाई ना मैं पूरी दुनिया में दिखाऊंगा कि तुम किस तरह से भोले भाई लड़के लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हो, उनसे काम करवाते हो कम सैलरी पे, और तो और उनके पूरे पैसे भी नहीं देते, उनके पैसे ही मार लेते हो और उनको ऐसे ही भेज देते हो बेचारों को। तुम्हें पता है एक बार इसी तरह का फ्रॉड ना मेरे साथ भी हुआ था, एक कंपनी के बॉस ने मेरे को 15,000 रुपये में रखा, उसके बाद जब सैलरी का टाइम आया तो मुझे साफ इनकार कर दिया कि कोई सैलरी नहीं है, जाके बुला ले जिसको बुला ले, और उसका वीडियो बना कर ना मैंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया था, और वो वीडियो इतनी वायरल हुई थी ना कि जो बॉस था उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और उसे 50,000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ी 15,000 रुपये के बजाय। और उस वीडियो को देख कर ना लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिला मुझे कि मैंने कहीं जॉब नहीं करी,
मैंने यही काम करा अपना सोशल मीडिया का और मैं एक यूट्यूबर बन गया। और हाँ, यूट्यूबर बनने के बाद ना मैंने इन्हीं तरह के लोगों के लिए काम किया, इन लोगों की आवाज़ उठाई जिन लोगों के साथ भी इस तरह का फ्रॉड होता है, जॉब के नाम पर कुछ कुछ झूठे वायदे किए जाते हैं या फिर उनको पैसे नहीं दिए जाते ना, तो उन लोगों की वीडियो बना के ना मैं वायरल करता हूँ और उनको इंसाफ दिलाता हूँ, यही मेरा काम है। सॉरी सर, आज के बाद से मैं किसी की भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा, ये आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दो प्लीज सर। माफी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें ना उन दोनों लड़कियों की पूरी सैलरी देनी पड़ेगी और साथ ही साथ उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि उनको तुम्हारी कंपनी में 2 साल का वक्त हो गया काम करते करते। ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, पर ये वीडियो ना कहीं लीक नहीं होनी चाहिए और किसी को दिखाना मत, मेरे नौकरी और इज्जत का सवाल है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा भरोसा करो, मैं वीडियो कहीं वायरल नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद तुम इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करोगे। अगर तुमने हरकत की तो वीडियो मेरे पास ही रहेगी, उसको ना उसी टाइम अपने सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। और ध्यान रहे, ऐसा करने के बाद ना तुम्हारी जॉब भी जा सकती है और साथ में तुम्हें जेल भी हो सकती है ऐसा करने पर। समझ में आई बात? किसी भी एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस यूट्यूबर ने दोनों लड़कियों को इंसाफ दिलाकर बिल्कुल ठीक किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलना दोस्तों।